तो अभी मुझे बात यह है कि नीचे बाबू रोड से लेकर मोट आबू तक मकान ही मकान, क्या ये कोई आत्मा रूपी मकानों की बात की है या कोई जड़ मकान की बात? आत्मा को मकान की दरकार है? आत्मा जब शरीर धारण करे, जड़ शरीर धारण करती है आत्मा, तब मकान बनाती है या सिर्फ आत्मा बनाती है? जड़ शरीर धारण करती है। हाँ, बाकी ऐसा भी नहीं है कि मकान का अर्थ कोई संगठन है, वहां एक ही संगठन होगा या अनेक संगठन होंगे? कहाँ? माउंट आबू में एक ही संगठन होगा। तुम बच्चे परम धाम को इस साकार सृष्टि पर उतार लेंगे तो साकार सृष्टि पर कौन सा स्थान होगा? जहां साकार परम धाम बनेगा है, माउंट आबू ही तो होगा। और माउंट आबू में साकार परम धाम बनेगा तो परम धाम में जो आत्माओं का झाड़ है उसमें एक ही संगठन देखने में आता है या अनेक संगठन नंबरवार देखने में आते हैं? तो सभी एक जैसी होगी, रहती तो है एक जैसी, बिंदी बिंदी आत्माएं हैं, लेकिन जो परम धाम में आत्माओं का संगठन दिखाया है और उनके मुखिया दिखाए हैं, वो अलग अलग मुखिया हैं कि एक ही प्रकार के संगठन हैं? अलग अलग संगठन हैं, उनके अलग अलग मुखिया भी दिखाए हैं। इसका मतलब कि वो रुद्रमाला के मणके होंगे, जो रुद्रमाला के मणके अलग अलग धर्मों के बीज हैं, वो अलग अलग धर्मों के बीज सब स्पष्ट दिखाई देंगे। तो उनकी अपनी अपनी अलग अलग कॉलोनियां भी होंगी कि एक ही कॉलोनी होगी? कॉलोनियां भी अलग अलग होंगी, सब नजदीक होंगे एक के या नंबरवार नजदीक होंगे? नंबरवार नजदीक होंगे, नंबरवार दूर होंगे। जो झाड़ दिखाया है उल्टा आत्माओं का, उसमें ऊपर लक्ष्मी नारायण सबसे नजदीक, उनका जो सारा ग्रुप है सूर्यवंशी, वो आत्माओं का संगठन अलग दिखाया है सबसे ऊंची स्टेज में। फिर नीचे नंबरवार और धर्म पिताएं दिखाए हैं, वो जो नंबरवार धर्म पिताएं हैं उनके सबके अलग अलग अपने अपने संगठन रूपी किले हैं। तो ये सब होगा, जो और धर्मों के बीज हैं वो आखिरी जन्म में अपने धर्म वालों से जाकर के मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? हैं? मिल जाते हैं। जब उन बड़े बड़े महल मानिया अटारियां बना के बैठे हुए हैं विदेशों में, करोड़पति नहीं आरंभपति बैठे बने बैठे हुए हैं, और उन्हें जब पता लग जाएगा कि ये दुनिया भस्म होने वाली है और इस दुनिया में एक ही स्थान सेफ है अंत तक, तो अपना सारा पैसा कहां झोंक देंगे? माउंट आबू झोंक देंगे। तो महलमाणियां अटारियां बन जाना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। अभी भी देखो 3 वर्ष के अंदर दिलवाड़ा के जो स्थान 10,000 में मिल रहे थे उनकी कीमत अब 10,00,000 हो गई। कितना गुना कीमत बढ़ गई? ये दिन दूनी रात चौगुनी कीमत बढ़ती जाएगी। और माउंट आबू तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं है,
छोटा ही पहाड़ तो है और एक लव्य का पाठ नारायण वाली आत्मा का है। एक लव्य का पाठ वो नारायण वाली आत्मा का है, तो उनको कौरवों का साथ देते हुए क्यों लिखाया गया? भारत इस समय पूरा नास्तिक है, तो नास्तिक जो है वो यादव संप्रदाय में है, कौरव संप्रदाय में है या पांडव संप्रदाय में? किसी के ऊपर आस्था है? आस्था साकार पे होती है या बिंदी पे होती है? साकार पे आस्था चाहिए, तो उस आत्मा को कोई साकार के ऊपर आस्था है? नहीं है। जब तक आस्था नहीं है तब तक क्या कहेंगे, नास्तिक है कि आस्तिक है? नास्तिक है। और वैसे भी इस अंतिम जन्म में अभी देखें तो भारत नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है या आस्तिक बनता जा रहा है? भारतवासी सारे ही नास्तिक बनते जा रहे हैं। आखिरी गवर्नमेंट भी किसकी बन जाएगी? नास्तिकों की गवर्नमेंट बन जाएगी। और मुरली में भी बोला हुआ है, आगे चल करके कोई क्रिश्चियन को प्रेसिडेंट बना देंगे, अभी तक तो मुसलमानों को ही बनाया, सिखों को बनाया, फिर क्या होगा अंत में? क्रिश्चियन को बना देंगे। क्रिश्चियंस के दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं मुख्य, एक नास्तिक और एक आस्तिक। बाबा ने मुरली में एक तरफ कहा कि घर घर दृष्टि में रखो, घर धंधा करो, और दूसरी तरफ कहा कि सब धंधों में है नुकसान। लेकिन ईश्वरी धंधे में तो नुकसान नहीं है, ये तो नहीं कहा कि ईश्वरी धंधे में नुकसान है। बल धंधा करो, ईश्वरी धंधा करो, धंधा ही तो कहा, ये तो नहीं कहा कि लोक धंधा ही करो, कहा धंधा कहा, बल धंधा थोड़ी करो। अगर तुमको विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, तो पेट पूजा के लिए कोई भी धंधा करो। सब धंधों में है नुकसान, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी धंधे के, ये भी तो कह दिया। आगे चल करके ये ईश्वरीय धंधा ही फलेगा फूलेगा दुनिया में, धंधा तो करना ही पड़ेगा, ईश्वरीय धंधा। स्थूल में भी धंधे सब चौपट हो जाएंगे, अभी भी चौपट होते जा रहे हैं, कौन सा धंधा बना रहेगा? ईश्वरीय धंधा बना रहेगा, इसकी गारंटी है। मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, अकाल पड़ेगा, एक एक दाने के लिए तरसेंगे लोग, पानी की बूंद नहीं मिलेगा,
लेकिन मेरे बच्चों के लिए गारंटी है, मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। और फिर जब बाप के बच्चे हैं तो जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। बाबा ये जो भक्ति मार्ग में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भक्ति मार्ग में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हाँ जी, इसका बेहद में क्या अर्थ है? ज्ञान में अभी चल रहे हैं तो बुद्धि जड़ है, देह अभिमानी है या आत्मा अभिमानी कहेंगे पक्के, देह अभिमानी है। और पुरुषार्थ करते करते निश्चयात्मक बुद्धि हम बन जाएं कि हमारी आत्मा का सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचे से ऊंचा पार्ट क्या है, ये बात बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाए तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई या नहीं हो गई? है? हो गई। पहले मंदिर बनाते हैं, फिर मूर्ति बनाते स्थापन करते हैं, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और ये जो एक बाबा की मुरली में गीत आता है कि हम धरती के सितारे हैं, हमारे तीर्थ निहारे हैं, तो हमारे तीर्थ किसे कहेंगे? जो हमको पार लगाए। था माने स्थान, तीर माने किनारा, जो हमको एक किनारे लगा दे, किनारे पर लगा दे, ठिकाने पर पहुंचा दे, वो ही हमारा तीर्थ। संदेश देने वाला, हमको कोर्स देने वाला, बाप की पहचान देने वाला, वो हमारे लिए तीर्थ हो गया कि नहीं? वो भी तीर्थ हो गया। ये जो स्कूल में सेवा स्थान है इनको क्या कहते हैं? ये अगर हमको ठिकाने पहुंचाते हैं, हमारी बुद्धि में ठिकाना स्थिर कर देते हैं, तो ये भी तीर्थ है। विनाश के समय इनका क्या है? विनाश के समय में इनका क्या होगा? फलेंगे फूलेंगे, सुरक्षित होंगे। क्यों सुरक्षित है? एक ही होगा कि अनेक होंगे? और सब नंबरवार हैं कि सब 100% हैं? कोई स्थान ऐसा है कि यहां सब सूर्यवंशी होंगे? कोई स्थान ऐसा है कि जहां सारे ही नास्तिक भरे पड़े हों? तो कौन ज्यादा स्थायी रहेंगे? जो सूर्यवंशियों का जखीरा होगा वो स्थायी रहेगा। और खाद को धरती के लिए एक उपयोगी तत्व माना गया है, और आत्मा में विकारों की खाद, उसको भी खाद कहा गया है। बिल्कुल। तो खाद शब्द का अर्थ जब धरती के साथ जोड़ते हैं तो वो फायदेमंद है, और आत्मा के साथ खाद शब्द आता है विकारों की खाद। तो खाद शब्द वहां पर उसका अर्थ, खाद भी दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल खाद और एक होती है यूरिया वाली खाद, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक खेती। उसमें ये आर्टिफिशियल खाद नहीं डाली जाती है, जो यूरिन जिसे कहा जाता है यूरिया, वो है विकारों की खाद। और जो सत्युग में खाद तो पड़ती है, पड़ती है कि नहीं पड़ती है? कलाएं कम कैसे होती हैं? खाद पड़ती है तो कलाएं कम होती हैं। त्रेता में कौन सी खाद पड़ती है? चांदी की खाद पड़ती है, खाद तो वहां पड़ती है। लेकिन श्रेष्ठ खाद पड़ती है या निष्कृष्ट खाद पड़ती है,
श्रेष्ठ खाद पड़ती है। वहां यूरिनरी वाली खाद नहीं पड़ती है, स्थूल इंद्रियों की खाद नहीं पड़ती है। आत्मा तुरंत निस्तेज अपने को अनुभव करती है, ऐसी खाद नहीं पड़ती है। कहां सतयुग त्रेता की खाद और कहां द्वापर कलयुग की खाद, जमीन आसमान का फर्क है। हैं? हाँ जी, वर्तमान में समाचार जो देखने में आ रही है उसमें प्रकृति का इतना प्रकोप है कि आधा भारत और आधी दुनिया जलमय हो चुकी है। इसका क्या अर्थ निकालेंगे? भारत तो कम जलमय हुआ है, पाकिस्तान उससे भी ज्यादा जलमय हो गया। भारत को हम पाकिस्तान के एक अंग कहेंगे ना, जब पहले तो भारत पाकिस्तान का अंग नहीं है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का अंग है। ये तो पहले बांग्लादेश और हाँ जी हाँ जी, पाकिस्तान ये भारत में गिने गए थे। हाँ जी हाँ जी, नेपाल। तो समाचार ये है कि आधी दुनिया और आधा भारत जलमग्न हो चुका है। ठीक है, जल पर ले अभी तो पूरी पृथ्वी जलमयी होनी है, उसके मुकाबले तो अभी कुछ भी नहीं है। बंबई सारी डूब जाएगी। बंबई से पहले दिल्ली का नंबर लगा है। अभी तो नंगल डैम भी नहीं टूटा है, मुरली में तो बोला है जब ये नंगल डैम टूटेगा तब दिल्ली जो है बही बही फिरेगी। हैं? हाँ, ये गोविंद सागर कितना बड़ा जल का भंडार है और बहुत गहरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई मीलों है। वो फट पड़ेगा तो सारी दिल्ली डूब जाएगी। अभी तो कुछ भी नहीं है और अभी तक कोई भी ऐसा कुछ हादसा हुआ भी नहीं है। छोटे मोटे हादसे हो गए, वो एक छोटा सा बांध टूट गया था तो मॉडल टाउन की दो दो मंजिलें डूब गई थी पानी में। हिंडन नदी का बांध टूटा था। ये तो छोटी छोटी जलमयी है, ये तो होता ही चला आया है। यमुना का विकराल रूप इस समय देखने में आ रहा है। हैं? ठीक है, अति होगी तभी तो अंत होगा। अति होगी तो यमुना के कंठे पर स्थापना भी होगी, अंत हो जाएगा। निधन शब्द और निर्धन शब्द, निधन बिगड़ा हुआ शब्द है। बाबा कहते हैं कि तुम अभी सभी निधन के हो। हाँ, धनी दोरी कोई है ही नहीं। निर्धन और निधन, निधन शब्द हम कहते हैं ना, मृत्यु को भी कहते हैं। हाँ हाँ, जैसे निधन मर गया कोई तो कहेंगे निधन हो गया, धनी धोरी मर गया, बच्चों का बाप मर गया, पत्नी का पति मर गया तो धनी मर गया, निधन हो गया। जैसे दुनिया में सत्यनारायण की कथा है, उसकी कोई पुस्तक कथा नहीं है, ऐसे कोई अमरनाथ की जो अमर कथा है उसका भी कहीं कोई साहित्य है? तो दिया ही हुआ है शिव पुराण में। अलग से कुछ ऐसा नहीं है जैसे सत्यनारायण भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग की तरह सुनाएंगे, वो असली थोड़े ही है। अमर कथा अमरनाथ सुनाएगा सच्ची कथा, या मनुष्य लिखेंगे पढ़ेंगे और सुनाएंगे? कहां से धुआं आने लगा? पार्वती को ज्ञान कब मिलेगा? है? पार्वती को ज्ञान किससे मिलेगा? पार्वती को ज्ञान किससे मिलेगा? पार्वती की भी कोई सास होगी कि नहीं होगी? हैं? अरे बड़ी माता कोई होगी कि नहीं, कि छोटी माता ही होगी?
परिवार में एक बड़ी माता होती है राजमाता, और एक होती है छोटी माता, तो कौन किससे डायरेक्शन लेता है? छोटी माता बड़ी माता से डायरेक्शन लेती है कि बड़ी माता छोटी माता से लेती है? छोटी माता बड़ी माता से डायरेक्शन लेती है। जैसे गंगा पतित पावनी है, भक्ति मार्ग में गायन है, तो गंगा पतितों को पावन बनाने वाली है या वास्तव में वैष्णवी शक्ति पतितों को पावन बनाने वाली है? है? कौन किसको पति से पावन बनाता है? जो पावन होगा वो पावन बनाएगा या जो खुद पतित होगा वो पावन बनाएगा? पावन ही पावन बनाएगा। तो गौमुख से गंगा निकली, वो तो रुद्रमाला के अंदर है जिस गंगा का गायन है, लेकिन रुद्रमाला तो राजाओं की माला है या रानियों की माला है? राजाओं की माला है। ये तो जन्म जन्मांतर के पतित ही है, भले संन्यास धर्म के हो। गंगा भी कौन से धर्म की है? संन्यास धर्म की है। लेकिन रुद्रमाला के मणकों को भी पावन बनाने वाला कौन है? माता गुरु विगर उद्धार हो न सके। तो रुद्रमाला के मणकों के लिए भी कोई पावन ही चाहिए, जन्म जन्मांतर का पावन चाहिए, जिसके लिए बोला विजयमाला का आवाहन करो। और वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि 2018 तक वो सूर्य को टच करेंगे, सूर्य के पास पहुंचेंगे। हाँ, सूर्य होगा चैतन्य में तो संघ का रंग भी लगेगा। अब उस सूर्य की तो बात ही नहीं है, वो तो आग का गोला है, उसके पास कोई जाएगा तो क्या होगा? तो भस्म ही हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो ऐसी व्यवस्था क्या की रही है जिससे सूर्य का जो शेक है वो उनका नुकसान नहीं कर सकता? वो कोई व्यवस्था नहीं है, ये तो ज्ञान सूर्य की बात है। जो ज्ञान सूर्य है वो बच्चों के नजदीक आएगा नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, या बच्चे भी उस बाप के नजदीक पहुंचे हुए होंगे। तुम बच्चों को मेरे पास आना है, इसका मतलब अभी दूरी है। बाबा, जब पांडवों का और राम का वनवास खत्म हो जाएगा तो उस समय क्या वातावरण, कैसा वातावरण होगा? वनवास जब खत्म होता है तो युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध का वातावरण होता है। गर्मी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। जोर से बोलो। हाँ, तो हाँ, वो है आसमान के सितारे, वो है जड़, और तुम हो धरती के सितारे। वो भी ऊंची स्टेज में चमकते हैं, और तुम भी जब ऊंची स्टेज पकड़ लोगे तो सारे संसार में
तुमको भी लोग ऊंची नजरों से देखेंगे। तुम धरती के सितारे हो, तुम चैतन्य हो और वो जड़ सितारे हैं। और सुराले में शिव को अंदर और नंदी को बाहर दिखाया गया है। नहीं, अंदर भी दिखाते हैं, नाली के बिल्कुल सामने ही दिखा देते हैं। जो शिवलिंग का क्या नाम आधार बना हुआ होता है ना, जिसे पार्वती कहते हैं, जलाधरी, उस जलाधरी की जो नाली बनी हुई होती है उसके सामने भी दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैल की बुद्धि में क्या रहता है, अरे वो किसके सन्मुख है, नाली के सन्मुख। बैल की बुद्धि में नाली है क्योंकि उसका पार्टी है। जब तक बैल बुद्धि है तब तक क्या पार्ट है, शिवो हम समझने का पार्ट है या जस्ट उल्टा पार्ट है, शिवो हम समझता है। तो जब वो अपने को ही शिवो हम समझेगा तो क्या करेगा, है? हाँ, वो कहेगा सब पार्वतियां पतित हो गईं, सब गंगाएं पतित हो गईं। गंगा जब पतित बनती है तो गुरु लोग कहते हैं हम उसमें पांव डालते हैं तो गंगा पावन बन जाती है। इसलिए शिवो हम ही शिव के रूप हैं। वो पार्ट भी ब्रह्मा की आत्मा बजाती है। और तीसरी अनित्य खुलने की कथा ये कन्याओं के लिए खास गाई हुई है। ये कथा है क्या, कन्याकुमारी है कौन है? खास कन्या कौन है, छोटी माँ। तो वो ये कथा करती है, भक्ति मार्ग में करती है तो ज्ञान मार्ग में भी ये कथा होगी, उसके लिए खास गाई हुई है। तीसरा नेत्र खोले तो हमारा काम बने। एक तरफ स्थापना होगी, वैष्णवी पार्ट क्या है, स्थापना हो तभी तो पालना हो, तब वो प्रत्यक्ष हो। तो एक तरफ स्थापना के नजारे और दूसरी तरफ विनाश के नजारे नगाड़े। तो तीसरा नेत्र खुलेगा तब विनाश होगा या बंद बना रहेगा तो विनाश होगा, खुलेगा तब विनाश होगा। और किसका नेत्र खुलेगा, है? अरे वो नेत्र किसका खुलेगा, उस नेत्र का नाम क्या है, शिव नेत्र। पहले बंद फिर काम दहन जब दिखाते हैं तो क्या कर होता है, खुल जाता है। वो तो काम विकार की दुनिया ही भस्म हो जाती है। आसाराम बापू मणिमहेश की यात्रा पे गए थे, कहाँ मणिमहेश,
मणिवेश कहाँ पर है? हिमाचल, हिमाचल में पड़ता है। हिमाचल में हाँ, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मणि जो है वो मेरे माथे में ही है, इसका बहुत बवाल हो गया था। है इस बयान के ऊपर बहुत बड़ा बवाल हो गया था। होगा ना बवाल, लेकिन क्या मस्तक में आत्मा को मणि नहीं कहने का है? हर आत्मा जो है मस्तक में मणि के रूप में विराजमान नहीं है। हर मनुष्य सर्प है या नहीं है? हर मनुष्य सर्प है क्या? हर सर्प के मस्तक में मणि होती है? होती है नहीं होती है, तो झूठी बात है ना। बाबा क्या ये सचमुच में मणि होती है किसी सांप में? हाँ होती है। तो इसको किसी ने हासिल नहीं किया? मणिधर कहा जाता है। स्कूल में बस जैसे किसी सांप में मणि अगर हो तो सभ्यता उसे हासिल करेगा ही करेगा? मिलता ही नहीं है, हासिल कहां से करेगा? जैसे एक मुख वाला रुद्राक्ष नहीं मिलता है, ऐसे ही मणिधर सर्प भी नहीं मिलता है। आपका नाम क्यों पड़ा मणिनिकेश? हैं? मणिनिकेश नाम क्यों पड़ा? कोई ऐसा सांप जब सारी दुनिया सांप है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के सांप होते हैं ना, सारी दुनिया सांप है, सांप का पार्ट बजाने वाली है, उनमें कोई एक सांप है जिसमें वो मणि प्रवेश करती है? जो ज्यादातर यात्रा करने जाते हैं वही बताते हैं कि इधर मणि विकेश वो सांप में दिखाई पड़ती है। दिखाई तो किसी को नहीं पड़ती है, बोलते हैं, बोलते हैं। इसका अर्थ ये है कि स्थूल में कोई मणि ऐसी है ही नहीं है। स्थूल में कोई ऐसा आत्मा कोई स्थूल में होती है? सांप के माथे में जो मणि होती है वो होगा, लेकिन वो विरला है, देखने में नहीं आता है। अभी तक ऐसी मणि किसी के हाथ नहीं लगी है जो मार्केट में जाके किसी ने बेची हो। और बाबा सरयू नदी का क्या बेहद में क्या है? सरयू नदी का सर माने क्या है? खोपड़ा ही तो सर कहा जाता है, हैं? और यू माने तुम उसके किनारे है अयोध्या। अयोध्या नगरी कहाँ है? सरयू नदी के किनारे है। सब बेहद की बातें हैं भक्ति मार्ग में। और बाबा सही प्रवृत्ति की सही है आत्मा और प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग आत्मा और शरीर की या स्त्री पुरुष की या रुद्र माला और विजय माला की इनमें से श्रेष्ठ प्रवृत्ति होती है? रुद्र माला है आत्माओं की माला और विजय माला है आत्मा थोड़े ही है, वो तो शरीर की पवित्रता रहने वाली आत्मा है। ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने 84 जन्म शरीर की पवित्रता धारण की है। और बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूं। ये भी शब्द क्यों लगाया है? कोई और होगा, वो कौन है? साकार बाप, जो शिव बाप है वो भी मगध देश में जब साकार बाप में प्रवेश करे तो प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही वो साकार बाप भी कहां जन्म लेता है? मगध देश में जन्म लेता है। ब्रह्मा सरस्वती तो संपूर्ण अभी तक बने नहीं, उनका सूक्ष्म शरीर है या स्थूल शरीर है? सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर वाले को
सूक्ष्म शरीर का बंधन है या नहीं है? हैं? बंधन है। जब बंधन है तो संपूर्ण है, या बंधन मुक्त है तो संपूर्ण है? बंधन मुक्त हो जाए तो संपूर्ण है। तो ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं तो बंधन मुक्त अभी नहीं है, सूक्ष्म शरीर का बंधन है। उनको फिर देवात्मा क्यों कहते हैं? क्या सतयुग में देवता नहीं बनेंगे? हैं? 16 कला संपूर्ण नहीं बनेंगे? बनेंगे, इसीलिए देवात्मा कहा जाता है। प्रूफ भी है, ब्रह्मा की आत्मा जो भी वाणी बोल रही है गुलजार दादी के तन में, वो ज्ञान की वाणी है या धारणा की वाणी है? देवताओं में धारणा होती है, राक्षसों में होती है, मनुष्यों में होती है, किसमें होती है? देवात्माओं में ही देह धारणा होती है। तो देवात्मा ही कहेंगे, बाकी शरीर नहीं है स्थूल। हाँ, सतयुग में स्थूल शरीर बन जाएगा, इसलिए देवात्मा कहा। बाबा ने बोला है, विशेष बॉम्बे और दिल्ली में आदि रतन ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? आदि रतन माना जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो आदि में कौन सा मंदिर बनता है? हैं? सोमनाथ मंदिर बनता है। सोमनाथ मंदिर के लिए बोला है, वहां सभी सोमनाथिनी। अब ये तो पता चल गया कि जो सोमनाथ है वो रुद्रमाला से है, और सोमनाथिनी कहां से है? विजयमाला से। तो जो विजयमाला के खास खास निकलेंगे वो पहले कौन से शहर से निकलेंगे? हैं? बॉम्बे से निकलेंगे। वैसे भी जो इंडिया गेट है वो पहले पहले कहां बनाया गया? बॉम्बे में बनाया गया। वो स्थूल इंडिया गेट किसकी यादगार में बना? कौन आई थी? महारानी विक्टोरिया। विक्टरी का अर्थ क्या है? जीत, विजय पाने वाली। वो है हद की विक्टोरिया। विदेश में पलती या स्वदेश में पलती? विदेश में पलती। विदेश से आती, समंदर के रास्ते से आती। ये है बेहद की विक्टोरिया। विजयमाला की है, तो बॉम्बे में और बंबई दिल्ली में आदि रतन विशेष हैं, ज्यादा है। और दूसरी बात क्या बताई? बंबई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। इसका मतलब
विनाश बाप कराते हैं, करते हैं या शक्तियों के द्वारा कराते हैं? शक्तियों के द्वारा कराते हैं। तो बंबई से ऐसी शक्तियां निकलेंगी पहले पहले, जो विजयमाला के आदि होंगे। वो करेंगे श्री गणेशाय नमः, शुरुआत वहां से होगी। तब जब सरेंडर हैंड से वहां से निकलेंगे तो ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होगा कि नहीं होगा? जो उनको कंट्रोल करने वाले हैं दुर्योधन दुशासन, उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और जब गुस्सा आएगा तो उल्टे पलटे काम करेंगे या नहीं करेंगे? उल्टे पलटे काम करेंगे, लिहाजा विनाश हो जाएगा। दिल्ली है स्थापनाकारी, स्थापना भी बाप, बाप का नाम तो है कि बाप ने राजधानी स्थापन की, लेकिन कराते किसके द्वारा है? उसमें भी शक्तियां विशेष हैं। कोई रुद्रमाला की कन्या माताएं विशेष हैं जो निमित्त बनती है और स्थापना का कार्य संपन्न होता है। इसके लिए बोला है, एक तरफ स्थापना की नजारे और दूसरी तरफ विनाश के नगाड़े। तो जहां विनाश के नगाड़े ज्यादा बजेंगे, पहले पहले बजना शुरू होंगे, उस शहर का नाम क्या रख दिया है? बॉम्बे, हर हर बम बम। और है आवाज कब फैलती है? आवाज फैलती कब है? आज के जो अखबार हैं वो अच्छी बातों को ज्यादा उछालते हैं या खराब खबरों को ज्यादा उछालते हैं? महाकाली का काम क्या है? हैं? महाकाली क्या काम करेगी? विनाश करेगी। तो जब विनाश करेगी तो बाहर की दुनिया में विनाश करेगी कि पहले घर के अंदर विनाश करेगी? झाड़ू लगाएगी, घर के अंदर झाड़ू लगेगा, जो कीड़े मकोड़े हैं वो सारे ही झड़ जाएंगे। तो कैसे झड़ेंगे? हैं? अरे महाकाली जो लंबी जीव दिखाई जाती है, शंकर के ऊपर पांव रखते हुए दिखाई गई है, वो ग्लानी करेगी, ग्लानी के निमित्त बनेगी या महिमा के निमित्त बनेगी? ग्लानी के निमित्त बनेगी। और एक नहीं, महाकाली की सैकड़ों भुजाएं निकलेंगी, वो सब ग्लानी के निमित्त बनेंगी। हैं? ज्यादा ज्यादा वैश्यालय कहां चला है? कलकत्ते में चला है। तो जहां वैश्यालय ज्यादा चला है वहीं की आत्मा विशेष पार्ट बजाने वाली भी निकलेंगी। इन वैश्याओं ने भारत का नाम बदनाम किया है। तो नाम बदनाम करने वालों में निमित्त कौन बनेंगे खास? हैं? कौन? अखबार वाले, टीवी वाले, रेडियो वाले, जितने भी साधन हैं आज की दुनिया के, मीडिया वाले, वो सब आवाज फैलाएंगे, बस प्रत्यक्षता हो जाएगी। ग्लानी से ही प्रत्यक्षता हुआ?
ग्लानी की आवाज ज्यादा निकलती है या महिमा की आवाज ज्यादा निकलती है कलयुग में? ग्लानी की आवाज ज्यादा निकलती है। तो कलंकीधर पहले प्रत्यक्ष हो या नारायण पहले प्रत्यक्ष हो? पहले का कलयुग का कलंकीधर या सतयुग का नारायण? पहले कलंकीधर। कलकत्ता वाले गणेश की बहुत पूजा करते हैं। कलकत्ता वाले कहाँ करते हैं बहुत पूजा? हैं? बम्बई वाले गणेश की ज्यादा पूजा करते हैं और कलकत्ते वाले हैं देवियों की ज्यादा पूजा करते हैं। देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय। गणेश की मूर्ति को देख करके उनको रत्ती भर भी ख्याल नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है जिसको इतना मान देते हैं इतना। तो माँ काली की मूर्ति को देख करके क्या ख्याल आता है? हैं? भक्ति मार्ग में तो ख्याल बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। भक्ति मार्ग में ख्याल नाम की चीज ही नहीं। आठ की माला क्रिश्चियन लोग उठाते हैं, और नवरत्न को भी क्रिश्चियन लोग बाहों में डालते हैं। तो सतगुरु का पाठ, अच्छा ये अगला प्रश्न है, हाँ आठ की माला क्रिश्चियन लोग क्यों उठाते हैं? वैसे भी विदेशियों में बोला गया है कि जब कयामत हुई तो खुदा का तख्त आठ फरिश्तों ने उठाया। विदेशी लोग फरिश्तों को ज्यादा मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते, और भारतवासी देवताओं को मानते हैं फरिश्तों को नहीं मानते। ये तो अभी कलयुग का अंत है जो यहां तांत्रिक ज्यादा घुस पड़े। पहले इतना थोड़ा ही था। तो दुनिया में जो प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है, बाप प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्षता में स्वदेशी निमित्त बनते हैं या विदेशी निमित्त बनते हैं? विदेशी निमित्त बनते हैं। तो विदेशी जैसे बाप को पहचानते हैं पहले, तो बाप समान बच्चों को भी पहले कौन पहचानेंगे? विदेशी लोग पहचानेंगे, इसलिए आठ को उठाते हैं। सतगुरु का पाठ कब से शुरू होता है? क्या लक्ष्मी आने के बाद सतगुरु का पाठ शुरू होता है? है? अच्छा, सतगुरु का विशेष गायन कौन से धर्म में है? सिख धर्म में विशेष गायन है। ऐसे तो भारतवासियों में भी है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे, लेकिन सिखों में विशेष गायन है। तो सिख धर्म में ब्राह्मणों की दुनिया में मुख्य आत्मा कौन है? हैं? जगदम्बा, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। और उस समय बोला जब जगदम्बा रंगमंच पर आ गई ब्राह्मणों की दुनिया में,
अंत तक महाकाली ही बनी रहेगी कि महागौरी के साथ भी मिलेगी है? महागौरी के साथ भी मिलकर के एक हो जाएगी, महालक्ष्मी का भी पार्ट होगा, लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों मिलकर एक स्वभाव संस्कार की बन जाएंगी। तो सदगुरु को मानेगी या नहीं मानेगी अंत में? मानेगी। तो जब स्थापना होगी तब विनाश भी शुरू होगा, तो सदगुरु का पार्ट भी प्रत्यक्ष होगा। हाँ जी बाबा, एडवांस कोर्स के एक लेसन में आता है कि सतवीर राधे कृष्ण, ये किसने कह दिया? और 2036 ना 2036 में तो 18-20 साल के हो जाएंगे। ये किसने कह दिया कि 2018 में राधा कृष्ण का जन्म होगा साकार में? कोर्स में सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उसे सुधारिए। सतयुग के राधा कृष्ण का साकार राधा कृष्ण का शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। जो भी वर्णन शास्त्रों में है कहां का वर्णन है? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया का वर्णन है। 2036 में वो 18-20 साल के हो जाएंगे। 2036 में 18-20 साल के हो जाएंगे, वो साकार रूप में नहीं, वो प्रवेशता की बात है। पूरी राजधानी जो है वो स्थापन हो जाएगी। पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। पूरी राजधानी स्थापन होने का मतलब कि जो बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं और उनके अंदर प्रवेश करके बच्चे के रूप में बुद्ध रूपी पेट में जो बच्चे प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे अभी राम वाली आत्मा बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो रही है और उसके अंदर प्रवेश करने वाली कृष्ण बच्चे की आत्मा भी प्रत्यक्ष हो रही है। जैसे लक्ष्मी की आत्मा भी प्रत्यक्ष हो रही है और उसके अंदर प्रवेश करने वाली राधा की आत्मा भी प्रत्यक्ष हो रही है, ऐसे ही जो रुद्रमाला के मणके हैं 4.5 लाख वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे 2036 तक, और उनमें प्रवेश होने वाले जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उनकी उम्र का भी वर्णन आया वहां 18-20 साल की हो जाएंगे। उम्र साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की होती है। साकार तो है ही नहीं वहां। 2018 से लेकर के 2036 तक साकार का तो सवाल ही नहीं। तो ये बात किसकी बताई है? 18-20 साल ये बेहद की बात है, प्रवेशता की बात है, हद की बात नहीं है। संगमयुगी कृष्ण की बात है, संगमयुगी राधा की बात है। शास्त्रों में संगमयुगी राधा कृष्ण का गायन है या सतयुगी राधा कृष्ण का गायन है? संगमयुगी राधा कृष्ण का सारा गायन है। और संगमयुगी राधा कृष्ण प्रवेशता वाली बात है, वो साकार में तो उनका शरीर है ही नहीं। ब्रह्मा और सरस्वती जो हैं, वो आत्माएं जब संपन्न बन जाती हैं, उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठ जाए, एडवांस ज्ञान, तभी वो संगमयुगी राधा कृष्ण है, संपन्न स्टेज वाले। अभी तो संपन्न स्टेज नहीं कहेंगे। अभी तो भक्ति मार्ग चालू है ब्राह्मणों की दुनिया में।
भक्ति मार्ग माने परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी के पॉइंट मूल में घुसा हुआ है शिवोहम। अगर शिवोहम उड़ जाए तो परमात्मा सर्वव्यापी भी उड़ जाए। तो ये शिवोहम कहने वाला मूल कौन है? ब्रह्मा की सोल। ये भक्ति मार्ग जब तक पूरा मुर्दाबाद नहीं होता है ब्राह्मणों की दुनिया से, तब तक ज्ञान का विकास, प्रसार और प्रचार तेजी से नहीं होगा दुनिया में। छिहत्तर में बाप की प्रत्यक्षता विदेशियों के द्वारा हुई। वो विदेशी बीज रूप आत्माएं हैं पूरे 84 जन्म लेने वाले, तो वो बाद में तो नहीं आते हैं। हा? जो आदमी आते हैं वो बाद में नहीं आते हैं। आदमी सो अंत में नहीं होंगे। अरे ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में जो आदि में थे वो अंत में प्रत्यक्ष नहीं होंगे, हैं? होंगे, न होने का तो सवाल ही नहीं। वो विदेशी अंत में भी होंगे, अंत में भी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। आदि में भी थे तो आदि में भी बाप को प्रत्यक्ष किया। मत 12 का क्या अर्थ है? है? अरे एक और दो, दो अंक है ना, एक और उसके ऊपर दो, तो क्या हो गया? 12 हो गया। और केड़ी खीर का अर्थ यह है जो जुड़ा हुआ है सारस और लोमड़ी की कथा से। लोमड़ी ने सारस को निमंत्रण दिया कि हमारे यहां आकर के भोजन करो, तो उसने खीर पकाई। वो खीर उसने थाली में डाल दी। सारस जेवने आ गया, अब वो क्यों ऐसे ऐसे करे और वो ऊपर तक जा ही नहीं रही है। फिर सारस ने चतुराई की, लोमड़ी को निमंत्रण दे दिया। लोमड़ी आई तो सारस ने सुराही में खीर परोस दी। सुराही क्या? सुराही होती है ऐसा और ऐसा बर्तन। अब वो जीभ लपलपाती है, जो लंबा हिस्सा है सुराही का, वो खीर सुगंधित तो है, मिठास भी है, लेकिन वो लंबे हिस्से में आधे में खीर रखी आधे में रखी नहीं। अब वो जहां तक उसकी जीभ जाती है वो छू के लौट आती है। वो जाती है सुराही में और छू के लौट आती है तो मजा तो आता है, लेकिन वो खा नहीं पाती है तो टेढ़ी खीर हो गई। खट्टे अंगूर वाली बात है। अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे वाली बात हो गई। और बाबा
बाबा ने बोला है मैं बंदरों की महफिल में आता हूँ, गांव की महफिल में नहीं आता हूँ। हाँ देवताओं की महफिल में नहीं आता हूँ, मैं बंदरों की महफिल में आता हूँ। हाँ तो इसका अर्थ बेसिक में ही समझा दिया था, बेसिक में इसका अर्थ ये समझाया था कि बंदरों में जितने विकार होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, उन जानवरों में सबसे ज्यादा पांचों विकार बंदर की जाति में होते हैं। काम विकार इतना ज्यादा होता है कि उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती है, एकदम ऊंचे स्थान पर पेड़ की चोटी पर जाकर के विकार भोगता है जो सबको ही भोगे। बाबा कहते हैं अंत में मनुष्यों की यही हालत हो जाएगी, क्या हुजूम के सामने लोग विकार भोगने लग पड़ेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसे मनुष्य विकारी हो जाएंगे। ऐसे बंदरों की महफिल में मैं आता हूं तो इसका मतलब बाद में तो ऐसे बंदरों की दुनिया बनेगी, सो बनेगी ही, लेकिन पहले शुरुआत करने वाले कौन हैं? दुनिया की बीज रूप आत्माएं या दूसरी आत्माएं? बीज रूप आत्माएं हैं, यहां वो बीज रूप आत्माएं अति की निर्विकारी भी बनती है संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में, और कलयुग के अंत में पहले पहले अति की विकारी भी बन जाती है। बंदरों की महफिल बताया, ये नहीं कहा मैं बंदरियों की महफिल में आता हूं, क्या बोला? बंदरों की महफिल में आता हूं। बंदर और बंदरिया दोनों के बीच में ज्यादा विकारी कौन देखने में आता है? हैं? बंदर हैं? बंदरिया नहीं, बंदर। बंदर ज्यादा विकारी होता है। तो ये रुद्रमाला के जो मणके हैं ना, ये पुरुष हैं या स्त्री चोला है? वो स्त्री है स्वभाव संस्कार से, पुरुष हैं ये, स्वभाव संस्कार से जन्म जन्मांतर के पुरुष हैं। इन्होंने पुरुष जन्म भी ज्यादा लिए हैं, ये इतने भिकारी हैं जन्म जन्मांतर के, जितने भिकारी दुनिया में और कोई नहीं होते। भारत के राजा हैं जितने भिकारी बने, उतने और कोई भिकारी नहीं बने दुनिया में। इस्लामियों में भी 3-4 स्त्रियां रखने का प्रावधान है, इनका तो कोई हिसाब ही नहीं, हिस्ट्री में नूद है। वो ही राजा बनने वाली आत्माएं अभी अंतिम जन्म में आकर के बंदर बंदरियों जैसा चोला उनको मिला है, तमो प्रधान जो अति का विकारी है। इसलिए बेसिक वाले जो सन्यासी हैं ना, उनको मौका मिल गया है बोलने का, ये ऐसे ऐसे हैं, वो वैसे वैसे हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उनको ये बुद्धि में ही नहीं आता कि भगवान आकर के बंदरों को ही मंदिर लायक बनाते हैं। निजाम कौन हुए? निजाम हाँ, ये कौन हुए? निजाम भी कोई बंदर होगा, उसकी 500 रानियां थी। हाँ हैदराबाद में राजी था ना, हाँ उसने 500 शादियां की हुई थी, है 500 रानी के साथ शादी की थी। हाँ क्यों नहीं की होगी, शादी क्या है होता है? बाबा ने तो बोला विकार में जाने माने शादी, पकड़ लाए तो ले शादी कर ली। राजा तो कुछ भी करे, कोई क्या कहेगा? मानो तो मानो, ना मानो तो निकलो राज्य से बाहर। और टेढ़ी खीर का देहात में क्या? अरे टेढ़ी खीर माने मयसर ना हो सके, हल नहीं हुआ। लोमड़ी का खीर खाना का काम ही पूरा नहीं हो पाया।
जैसे सारस को खीर टेढ़ी हो गई है तो थाली में सीधी सीधी पड़ी हुई, देखो उसको मैसर नहीं हुई। और मुरली में बोला है कि बाप के साथ सरस संबंध जोड़ने चाहिए, एक मुरली में बोला है कि माताओं को बाप को बच्चा बनाना चाहिए, बिल्कुल इससे वैश्यवृत्ति की छूटिंग होगी, बिल्कुल एक तरफ तो बोला सरस संबंध है, एक तरफ तो बोला सरस संबंध, तो ठीक है माताएं सर्व संबंध नहीं निभा सकती, ये तो इसलिए बोला कि माताओं की जो भावना है वो बहुत पक्की होती है, इसलिए बोला कि माताओं को पहले पहले शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना पड़े, तो पहले पहले जब बुद्धि में ये बैठ जाएगा ये मेरा बच्चा है तो दूसरा भाव पैदा होगा है? और माताओं को कौन सा संबंध ज्यादा प्रिय होता है, बच्चे और माता का संबंध ही सबसे ज्यादा प्रिय होता है, तो जो प्रिय है वो उनको मिल गया तो और कोई संबंध की आस ही नहीं रहेगी। और माताओं में काम विकार ज्यादा होता है कि देवान ज्यादा होता है, देवान ज्यादा होता है, बच्चा मिल गया तो देह से खेलने की तो ललक रहेगी, विकार से खेलने की ललक नहीं रहेगी, इसलिए दोनों फायदे हैं। संबंध जोड़ना न जोड़ना ये मनसा के संकल्पों की शूटिंग के ऊपर आधारित है या देह के ऊपर आधारित है, मनसा के संकल्पों की शूटिंग के ऊपर आधारित है, वो मनसा के संकल्प भी पवित्र बने रहे और फिर शूटिंग के हिसाब से संसार में जो ग्लानी है वो भी ना होने पाए, पति भी प्रसन्न रहेगा, वैश्यावृत्ति की शूटिंग भी नहीं होगी। तो अच्छी बात बाबा ने बताई या बुरी बात बताई है, अच्छी बात बताई, पर ये साकार संबंध है, साकार में संबंध होना चाहिए, साकार में संबंध होना चाहिए, निराकारी संबंध जो है वो संगमयुगी ब्राह्मणों की दुनिया में मनसा के आधार पर शूटिंग हो रही है या शरीर के आधार पर शूटिंग हो रही है, मनसा के आधार पर सारी शूटिंग हो रही है, तो उसके लिए तो मना तो नहीं किया, क्या सतयुग में संबंध नहीं होंगे, संबंध तो होंगे, मां बेटे का संबंध वहां नहीं होगा, होगा। और हाँ डायनासोर कौन से युग में है, डायनासोर जो जानवर था हाँ कौन से युग में, द्वापर के आदि में 2500 साल पे लगभग की बात है, हाँ। और ओम शांति, माता जी भी नहीं बैठा जा रहा।